नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद के भट्टू रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे फाटक पर आज एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। रोडवेज की एक बस फाटक पर पुल से टकरा कर बिजली तार टूटने के कारण ट्रैक के बीचों बीच फंस गई और दूसरी तरफ से एक पैसेंजर ट्रेन फाटक की तरफ दौड़ती चली आ रही थी। किसी फिल्मी स्टाइल सीन की तरह हुए इस पूरे घटनाक्रम का एक लाइव वीडियो सामने आया है, जिसके बाद पूरी घटना हैरान कर देने वाली मालूम हुई। वीडियो में रेलवे फाटक और ट्रैक पर आसपास काफ़ी संख्या में लोग मौजूद दिखाई दे रहे हैं और ट्रैक पर बस फंसी हुई है। दूसरी तरफ से एक ट्रेन लगातार दौड़ती हुई फाटक की तरफ बढ़ रही है, जिससे ट्रैक पर मौजूद लोग लाल कपड़ा दिखाकर रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए भट्टू कला रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर खेमराज बैरवा ने बताया कि भट्टू रेलवे स्टेशन से चलकर सिरसा की तरफ किसान एक्सप्रेस ट्रेन फाटक से गुजरी और इस दौरान फाटक खुलने पर रोडवेज की एक बस फाटक से गुजरते समय पोल से टकरा गई और पोल टूटकर रेलवे लाइन के बिजली तारों से टकरा गया। इसके बाद मौके पर रेलवे ट्रैक के बीचों बीच ही बस फंस गई। कुछ ही देर में सिरसा की तरफ से एक पैसेंजर ट्रेन के आने का समय हो गया और रेलवे लाइन को पैसेंजर ट्रेन के लिए ट्रैक पर डाल दिया गया। पैसेंजर ट्रेन फाटक की तरफ बढ़ रही थी, इसी दौरान ट्रेन को आते देख रेलवे कर्मचारी और वहां मौजूद लोगों ने लाल कपड़ा झंडे के रूप में दिखाते हुए ट्रेन को रोकने का इशारा किया। गनीमत यही रही कि रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों और लोगों की समझदारी से पैसेंजर ट्रेन जो कि फाटक की तरफ बढ़ रही थी उसे समय रहते रोक लिया गया, वरना फाटक तक ट्रेन पहुंचती तो बड़ा हादसा हो सकता था। स्टेशन मास्टर खेमराज बैरवा ने बताया कि मंगलवार दोपहर का यह मामला है। गनीमत कह रही कि इस पूरे हादसे में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ और करीब 1.5 से 2 घंटे तक रेलवे ट्रैक पर आवागमन बंधित रहा। हालांकि बाद में रेलवे के विद्युतीकरण को सही करके रोडवेज बस को वहां से हटाया गया और उसके बाद पैसेंजर ट्रेन को वहां से गुजारा गया। स्टेशन मास्टर ने बताया कि रेलवे फाटक से गुजरते समय लोग जल्दबाजी करते हैं और इसी के चलते इस तरह से हादसे होते हैं। स्टेशन मास्टर की तरफ से इस हादसे के बाद लोगों से अपील की गई है कि फाटक पर ऑटोमेटिक बैरियर है और ट्रेन के आने के समय के दौरान सायरन के साथ यह बैरियर बंद होते हैं। लोगों को नियमानुसार फाटक पर दोनों साइड बने ब्रेकर से पहले ही अपने वाहन रोक लेने चाहिए और जरा सी सावधानी बरतकर इस तरह के हादसों से बचा जा सकता है। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की एक खास खबर। सर, ये जो फाटक पे गिरा है खंभा वगैरह, बस जो है रोडवेज की वो लाइन के ऊपर खड़ी है, ट्रेन आ रही है, क्या पूरा मामला था, क्या घटना था? मामला यही था कि साहब गेट खुला हुआ था, एक गाड़ी गई हुई थी उसके बाद में गेट खुला हुआ था। गेट खुला होने के बाद में रोडवेज ड्राइवर जो था बिल्कुल सटा करके अपने यहाँ पर करवो पड़ता है रोड पर, तो सटा करके घुमा रहा था। तो उस टाइम पर क्या है कि आधी बस तो निकल गई थी, लेकिन ऊपर से अपना जो कवर होता है बस के ऊपर जो बैरियर लगा होता है उससे वो टकरा गई। टकराने के बाद में खंभा गिर करके बस के ऊपर टच होते हुए वायर से कॉन्टैक्ट वायर को छू गया। और ये जो ट्रेन इसमें दिखाई दे रही है वो ट्रेन तो गेट टूटने के काफ़ी टाइम बाद में आई है और उसके बाद में गाड़ी आउटसाइड भी खड़ी रही है क्योंकि इंटरलॉक गेट है, सिग्नल नहीं आया गाड़ी। तो सर, जैसे वीडियो एक सामने आया उस पर दिखाई दे रहा है कि लोग जो है लाल झंडी लेके लाइन के ऊपर खड़े हुए रुकवाने के, एक तरह से लग रहा है कि ट्रेन जैसे आ रही है उसको रुकवाने के प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास तो क्या है, जब कोई गेट पर कोई एक्सीडेंट होता है, जैसे आज ये एक्सीडेंट ही समझो इसको, तो उस टाइम पर हमेशा गेटमैन प्रोटेक्शन करता है। पहले जिम्मेदारी होती है गेटमैन की बैनर फ्लैग लगाने की, तो इसमें फ्लैग दिखाई दे रहा है। और बाकी जो ट्रेन आ रही है ये गेट टूटने के काफ़ी टाइम बाद में आई है, जिसका पीछे आदमपुर से आउट मिला हुआ था, उसके बाद में फिर गाड़ी आउटसाइड ही खड़ी रही। तो सर, कितने बजे का ये मामला है, कौन सी ट्रेन आ रही थी? ये अपने यहाँ से गई थी किसान एक्सप्रेस, उसके जाने के बाद में ये ट्रेन वापस आने, हमारे पास में पैसेंजर गाड़ी आनी थी, लेकिन जैसे ही ये लाइन हुआ था गाड़ी का उस टाइम पर ये गेट टूट गया था, टूट चुका था। तो सर, नुकसान वगैरह कोई जानमाल का कोई नहीं, ऐसा कोई जानमाल का ऐसे कोई नुकसान नहीं हुआ है, ना ही कोई किसी को कोई खतरा हुआ है। तो लाइन से ये जो घटनाक्रम हुआ उससे कोई ट्रेन का यातायात किस कितनी देर प्रभावित रहा, ठीक कर ली गई है, क्या इलाका है? अब उस गेट को अपन ठीक करवा चुके हैं, फुट राइट करवा दिया गया है, लेकिन बाकी जो ट्रेन तो मूवमेंट तो इफेक्टिव हुआ ही है इसका। तो कोई ट्रेन रद्द भी हुई है या डाइवर्ट किया गया है? रद्द करने का, डाइवर्ट करने का ऐसा कोई नहीं है, बिल्कुल अपनी नॉर्मल गाड़ियाँ चली हैं। तो कितनी देर बाधित रहा सर ये पूरा ट्रैक?
ये कोई गाड़ी करीब एक डेढ़ घंटे बाद में रेल प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को बुलाया गया, उनके द्वारा विद्युत सप्लाई हटवाई गई, उसके बाद में बस को वहाँ से हटवाया गया। उसके बाद से हमारे यहाँ पर नॉर्मल अथॉरिटीज गाड़ियाँ चलाई जा रही है। तो सर ऐसा हादसा दोबारा ना हो इसके लिए आपकी तरफ से कोई गाइडलाइन क्या होती है? इसके लिए मैं सभी अपने पब्लिक से, जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि तब भी गेट बंद होता है तो उस समय पर अपने निर्धारित मानक दूरी रेलवे ने तय की हुई है, जहाँ पर समपार से कुछ ही मीटर दूरी पर ब्रेकर लगे हुए हैं, जब भी गेट बंद होता है हमेशा एक सायरन बजता है, हूटर बजता है, जब वो सायरन बजना शुरू हो जाए तो अपना वाहन, अपना व्हीकल गेट के अंदर प्रवेश ना करें। नियम यही कहता है कि अपने जो ब्रेकर बने हुए हैं वहीं तक अपनी लिमिट रखें। जब गेट बंद हो रहा होता है तो उस टाइम पर होता है कि वाहन वाले तुरंत अपना वाहन निकालने के चक्कर में रहते हैं, इस कारण से इस तरह की घटनाएं अक्सर हो जाती हैं। तो मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा, कृपया करके जब भी गेट बंद रहो, सायरन चालू हो जाता है गेट को नीचे करते समय, तो उस टाइम पर अपना व्हीकल ब्रेक करके बाहर ही खड़ा करके रखें। मेरा नाम हेमराज बैरवा, स्टेशन मास्टर पद पर कार्यरत हूँ भट्टू रेलवे स्टेशन पर।